हम लोग नीट एग्जाम के फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए एक सुपर ट्रिक देखेंगे। हमारे जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना, उसमें जो रेडिएशंस हैं ये हमारा सबसे पहले गामा किरण यानी कि गामा रेज, फिर आती है एक्स किरण जिसको बोलते हैं एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरण, फिर आता है हमारा विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं दृश्य किरण या दृश्य तरंग, उसके बाद आता है इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं अवरक्त तरंग, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं माइक्रो तरंग, और लास्ट में आता है रेडियो वेव जिसको बोलते हैं रेडियो तरंग। तो इतने रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसको याद करने के लिए ट्रिक है गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, मेरे रेंज में बस एक ही गड्डी है जिसका नाम क्या है एक्सयूवी, तो गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, गड्डी से हो जाएगा गामा रेज, एक्स से हो जाएगा एक्स रेज, यूवी से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज, इन से हो जाएगा इंफ्रारेड, माय से हो जाएगा माइक्रोवेव, और रेंज से हो जाएगा रेडियो वेव। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, इससे हम सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनके रेंज को भी देख लेते हैं। तो जो रेडियो वेव होती है ना, रेडियो तरंग, इसकी जो लगभग रेंज होती है ना वो 10^6 हर्ट्ज के आसपास होती है। जो माइक्रोवेव है इसकी रेंज होती है 10^10 हर्ट्ज। जो आपका आईआर है यानी कि इंफ्रारेड जिसको अवरक्त तरंग बोलते हैं, इसका रेंज होता है 10^13 हर्ट्ज के लगभग। जो विजुअल लाइट जो हमारी दृश्य तरंगें हैं इनका रेंज होता है लगभग कितना, 10^15 हर्ट्ज के आसपास। अल्ट्रा वायलेट जो होती है ना, इसका जो रेंज है यानी कि पराबैंगनी किरण का रेंज होता है 10^16 हर्ट्ज। एक्सरेज का रेंज होता है 10^18 हर्ट्ज, और गामा किरण का रेंज होता है 10^24 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वह किसकी है, गामा किरण की, और सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव की। एक फार्मूला हम जानते हैं कि इक्वल टू होता है एच न्यू, इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा, यानी कि जो न्यू होती है ना फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हम जानते हैं कि जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा किरण की, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, इसलिए चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो जो हम गामा किरण से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं ना, यानी गामा किरण से किधर जा रहे हैं, रेडियो वेव की तरफ, तो हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर पूछा जाए किसका है, तो बोलेंगे रेडियो वेव का, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, गामा रेज का, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा किरण की, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव की। ज़्यादा वेवलेंथ होने का क्या मतलब है, ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो वेव कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रक से ट्रक के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा। और इस गामा किरण का देखने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड क्या होंगी, बहुत ज़्यादा। तो इस रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा इसी लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो स्पेसिफिक रीजन है वो किस फीचर के लिए जाने जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव को। जो रेडियो वेव होती है ना यानी कि रेडियो तरंगें, इनका यूज हम ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टिंग में, यानी कि जो रेडियो या टीवी का जो प्रसारण होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का। उसके बाद नंबर है आपका क्या, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज होता है कुकिंग में किया जाता है, हमारे घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं जिसमें फूड को कुक करते हैं, तो माइक्रोवेव जो होती हैं तरंगे ना, माइक्रो तरंगे, उनका यूज करते हैं कुकिंग और रेडार में। उसके बाद आते हैं आईआर यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज होता है ये हीट फ्रॉम सन, सन से जो हीट आती है ना, यानी कि हमारी अर्थ गर्म हो जा रही है किसी वजह से, इंफ्रारेड की वजह से, यानी कि हीटिंग इफेक्ट किसके अंदर है, इंफ्रारेड के अंदर। उसके बाद आता है विजुअल लाइट। जो विजुअल लाइट होती है ना, यह जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का केवल छोटा सा पोर्शन है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि विजुअल लाइट एक ऐसा रीजन है जो हमारी आंखों का क्या होता है, विजिबल होता है, बाकी कोई रीजन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल विजिबल लाइट को देख सकते हैं, और इसका रेंज होता है 400 से 700 नैनोमीटर। उसके बाद आता है आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट।
अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है जिसको हम पराबैंगनी किरण बोलते हैं, यह सन के रेडिएशन में पाई जाती है। ये बहुत ही डेंजरस रेडिएशन होती है, अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर गिर जाए तो यह कैंसर प्रोड्यूस करती है। लेकिन हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन की लेयर पाई जाती है जो इसको एब्जॉर्व कर लेती है और अर्थ पे आने नहीं देती, जिससे हम यूवी रे से बच जाते हैं। उसके बाद आती है एक्स किरण। इसको सब जानते हैं कि बॉडी का एक्सरे कराने में किसका यूज करते हैं, एक्स किरण का यूज करते हैं। और लास्ट में हमारे आगे गामा किरण, और गामा किरण का यूज होता है कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कैंसरस सेल कहीं है उसको ब्रेक करना है तो गामा रेज का यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, सबके कुछ फीचर्स को हमने देखा, फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर देखा, वेवलेंथ का ऑर्डर देखा, और इनको याद करने के लिए टिक देखा। ओके।